रामपुर में आज अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल आज रामपुर पहुंचे और गेस्ट हाउस में एक प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार द्वारा दलितों के लिए चलाई जा रही योजना स्टैंड अप इंडिया के बारे में विस्तार से बताया। कहा, देश की आजादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी का दलित एजेंडा आया है, इसे इतिहास कभी नहीं भूलेगा। दलितों को आर्थिक रूप से मजबूत होना होगा। इस योजना में दलितों को 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के लोन की सुविधा बैंकों के जरिए से दी जा रही है। पंडित दीनदयाल स्वर्ण रोजगार योजना के अंतर्गत 20,000 से लेकर 15 लाख तक बैंक के लोन की सुविधा उपलब्ध है। वहीं दर्जा राज्य मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मायावती पर भी निशाना साधा। कहा, अखिलेश यादव और मायावती दलित विरोधी हैं। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव इस देश की राजनीति में सबसे बड़े दलित विरोधी के चेहरे के रूप में सामने आए हैं। इसलिए जमींदारी विनाश अधिनियम 1950 में लागू हुआ और उसमें व्यवस्था थी, दलितों के पास जमीन नहीं थी तो जो ग्राम समाज की जमीन थी उनके पट्टे के रूप में दलित और आवंटन के प्राथमिकता दी जाएगी। उस प्राथमिकता को उन्होंने रेवेन्यू कोर्ट में ले जाकर समाप्त कर दिया। लागू नहीं है, लागू नहीं। और एससी के आदमी जो सीनियर थे उनको जूनियर बना दिया। शिक्षा विभाग का बड़ी कृपा होगी।